अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल साकिब इन्फो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है जिला झंग। जिला झंग पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक जिला है और इसका सदर मुकाम झंग है। 1998 में इसकी आबादी का तखमीना 28,34,545 अफराद पर लगाया गया था। जिला झंग में उमूमी तौर पर पंजाबी या जांगली और उर्दू जुबानें बोली जाती हैं। इसका रकबा 8,809 मुरबा किलोमीटर है। जिला झंग सांदलबार का अहम जिला है जिसकी आबादी तकरीबन 28 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। झंग सूबे पंजाब का वो वाहिद जिला है जिसमें तीनों दो आबे यानी रचना दो आब, चज दो आब और सिंध सागर दो आब शामिल हैं। 2009 में चन्योट जो कि झंग की तहसील थी जिला बनने से पहले किराना हिल्स का कुछ हिस्सा भी जिला झंग में शामिल था। झंग की वजह शोहरत पंजाबी की मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा भी है। हीर की जाय पैदाइश और मज़ार झंग में है। यहाँ के लोग अक्सर गरीब हैं ताहम इंतहाई मेहनत कश हैं। 2014 के सितंबर में इस इलाके के लिए सितमगार बन गया था यानी यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया लेकिन अब दोबारा यहाँ की रोज़मर्रा जिंदगी बहाल हो चुकी है। अगर बात की जाए झंग के महल्ले वकू की तो हीर सयाल का जिला झंग मशरक में फैसलाबाद और टोबा टैक्सिंग, मगरिब में खुशाब और भक्कर और लिया, शुमाल में चनेट और सरगोदा, जबकि जनूब में खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ के इजला से घिरा हुआ है। 9 इजला से मुतसिल ये जिला शोरकोट कैंट समेत 18 हजारी, शोरकोट, अहमदपुर सयाल और झंग की 4 तहसीलों और बेशुमार मशहूर कस्बात पर मुश्तमिल है। अगर बात की जाए इसके तारीखी पस मंजर की तो झंग पाकिस्तान के कदीम तरीन इजला में शुमार होता है। जमाने कदीम में इस जिले का इलाका सांदलबार कहलाता था। बार मकामी जबान का लफ्ज है जिसके मानी घने जंगलात के हैं जहां नहरी निजाम दस्तयाब नहीं होता। ये बार सांदल के नाम की वजह से सांदलबार कहलाना लगा। सांदल पंजाब के हीरो दुल्ला भट्टी के दादा का नाम था। लोग दरिया किनारे छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे जिन्हें झोंक कहते हैं। 1974 में महकमा आसार कदीमा की शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक झंग शहर उस वक्त से आबाद है जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। कहा जाता है कि सिकंदर आजम समंदर की तरफ जाते हुए इस इलाके के किसी हिस्से से गुजरा था। इसी तरह झंग की तहसील शोरकोट के आसारे कदीमा से मिलने वाले कदीम सिक्कों पर एक तरफ गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ अशोक की तस्वीर बनी है यानी झंग शहर अशोक से भी पहले आबाद था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इस इलाके का पहला मुफस्सिल जिक्र 1526 में लिखी गई शहनशाह बाबर की किताब तुजके बाबरी में मिलता है जिसके मुताबिक ढेरा, खुशाब और चनाब के आसपास के इलाकों की हुकूमत सैयद अली खान के पास थी। बाबर ने अपनी किताब में खुशाब, भेरा और चनाब की जिन रियासतों का जिक्र किया है तारीख दानों के लिए उस जमाने में इन रियासतों का हुदूद अरबा और महल वकू का पता लगाना एक मुअम्मा है। बाबर के हमले से लेकर मोहम्मद शाह के दौर तक तकरीबन 2 सदियां यह इलाका गैर मारूफ और गुमनामी की गर्द में दबे रहा। मुगलों से पहले इस इलाके पर अलग अलग महाजर कौमें और आबादकार हुक्मरानी करते रहे जिनमें सयाल, लाली, हरल, भट्टी और दाब शामिल हैं। एक और रिवायत के मुताबिक झंग शहर को 1288 में राय सयाल ने अपने मुर्शद हजरत जलाल शाह बुखारी सुर्ख पोश के कहने पर आबाद किया था। 1334 में मशहूर सयाह इब्न बतूता का यहां से गुजर हुआ था। झंग का पहला बाकायदा सयाल हुकमरान मल खान था जिसने 1460 में हुक्मरानी कायम की।
इसके बाद 360 तक मुख्तलिफ सयाल हुक्मरान आते जाते रहे। इन हुक्मरानों ने झंग के साथ दीगर नजदीकी इलाकों को शामिल करके इसे बहुत वुस्सत दी। यहां तक के सरगोदा, फैसलाबाद और टोबा तक का इलाका झंग में शामिल हो गया। झंग के आखिरी सयाल हुक्मरान अहमद खान थे, जिन्होंने 1812 से 1822 तक यहाँ हुकूमत की। अहमद खान के बाद हुकूमत सिखों के कब्जे में चली गई, जिन्होंने मुल्तान पर कब्जा करके इस इलाके को फतह कर लिया था। 1848 में सिखों को शिकस्त हुई और झंग का इलाका अंग्रेज सरकार के जेर असर चला गया। 1849 में झंग को जिला बना दिया गया, जो अपने दौर का बहुत बड़ा जिला था। इससे आगे झंग के बंटवारे शुरू हुए। 1851 में बड़े पैमाने पर काफी देहात जिला मुल्तान में शामिल किए गए। फिर 1854 में झंग तहसील का ताल्लुका फरूका, तब के जिला शाहपुर, अब सरगोदा में शामिल कर दिया गया। 1861 के इब्तदाई अय्याम में इस इलाके के जख्मों पर मरहम रखने के लिए जिला शाहपुर से कल्लोवाल और जिला मुजफ्फरगढ़ से गढ़ महाराजा और आसपास के देहात काट कर झंग में शामिल कर दिए गए। इसी साल शोरकोट को तहसील का दर्जा मिला। फिर 1890 में जिला झंग की हुदूद का असर नो तायुन किया गया, जिसमें लैया को झंग से अलहदा करके जिला मुजफ्फरगढ़ और हैदराबाद, आज के जिला भक्कर का एक इलाका को जिला मियांवाली में शामिल किया गया। पिंडी भटिया का इलाका जिला गुजरांवाला का हिस्सा बना दिया गया। 1886 में लायलपुर तहसील को जिला झंग का हिस्सा बना दिया गया। 1900 में समंदरी और टोबा टैक्सिंग को तहसील का दर्जा दिया गया और 1904 में लायलपुर को अलहदा जिला बना दिया गया। इसी साल में किराना बार का तकरीबन तमाम हिस्सा तहसील चनेड़ से जिला शाहपुर को मुंतकिल कर दिया गया। 1913 में तहसील टोबा टैक्सिंग के 32 बड़े देहात झंग की तहसील शोरकोट में शामिल कर दिए गए। 1947 में आजादी के बाद जिला झंग को चनेट, अहमदपुर सयाल और शोरकोट तहसीलों के साथ इस तरह रखा गया। 2009 में जब तहसील चनेट को काट कर पंजाब का 36वां जिला बनाया गया, तो चनेट की जगह 18,000 को झंग की चौथी तहसील बनाया गया। यह जिला पहले मुल्तान, फिर सरगोदा और अब फैसलाबाद डिवीजन का हिस्सा है। तबई खदोखाल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिला झंग का तकरीबन तमाम इलाका मैदानी है, मां सिवाय मगरिब के, जहां थल का सहराई इलाका वाके है, जो दरियाए जेहलम के किनारे से शुरू होता हुआ खुशाब, लैया और भक्कर के इजला तक जाता है। इस इलाके में माजी में जंगलात थे और ये इलाका किसी भी किस्म की काश्त के लिए मौजूद नहीं था। अंग्रेजी दौरे हुकूमत में यहाँ नहरी निजाम बनाकर पूरे इलाके को काबले काश्त बना दिया गया है। जिला झंग ही वो जगह है जहाँ 18,000 के करीब पाकिस्तान के दो बड़े दरियाओं चनाब और जेलम का मिलाप होता है। झंग शहर से 25 किलोमीटर दूर 1939 में दरियाए चनाब पर त्रिमु बैराज बनाकर रंगपुर केनाल और त्रिमु सिधनाई लिंक केनाल निकाली गई। रंगपुर झंग समेत जिला मुजफ्फरगढ़ को भी सैराब करती है। झंग के गैर जरई रकबे पर नायाब जंगलात और झाड़ियां पाई जाती हैं। इनमें बोहड़, हरमल, कीकर, झंड और वान शामिल हैं। अगर बात की जाए इस जिले की आबो हवा की, तो इस जिले की आबो हवा गर्म मरतूब है। गर्मियों में दर्जा हरारत 28 से 43, जबकि सर्दियों में 627 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। औसतन सालाना बारिश 288 मिलीमीटर है। आंधियां और तूफान शिद्दत से आते हैं। नहरी पानी के बेहतरीन निजाम और बारिशों की बदौलत यहां कई किस्म की जरई अजनास उगाई जाती हैं, जिनमें गंदम, कपास, गन्ना, चावल, चने, जवार, तुर्शफल, आम, सरसों और तंबाकू शामिल हैं। यहां मौजूद अहम संतों में रुई बेलने, ऊनी कपड़ा बनाने, चीनी के कारखाने, बर्तन बनाने, कंबल बनाने, खेस और दरिया बनाने की सनत शामिल है। हवेली बहादुर शाह के मुकाम पर एक पावर प्लांट लगाया गया है, जहां गैस से बिजली पैदा की जाती है। अगर बात की जाए झंग की सकाफत की, तो बूदोबाश के हवाले से ये इलाका बहुत रंगीन है। सकाफती मेले, शादी की दिलचस्प रसूमात, मुख्तलिफ रवायती खेल, उर्स वगैरह झंग की पहचान है। इस इलाके से हीर राजा और मिर्जा साहबा जैसी रोमानवी दास्तानों ने जन्म लिया। पंजाब की चार लाजवाल मोहब्बत की दास्तानों में से दो ने इसी धरती पर जन्म लिया। झंग को मोहब्बत और प्यार की धरती के रूप में अमर कर दिया। इसके अलावा झंग एक जरखेज इलाका है, जहां पर
दीनी दुनियावी तौर पर बहुत सारी जरखेज शख्सियात पाई जाती हैं, जैसा कि जिला झंग सूफिया और मशाहिर के हवाले से भी जाना जाता है। उर्स और मेले इस इलाके की पहचान हैं। झंग की धरती पर सैकड़ों उलामा और सूफिया इकराम अबदी नींद सो रहे हैं, जिनमें हजरत सुल्तान बाहू, हजरत सैयद जीमत शाह आफशाह जूना, हजरत पीर ताजदीन, हजरत रोडू सुल्तान, हाजी अहमद दरवेश बगदादी, हजरत शाह सादिक नाहंग, पीर आफ सयाल शरीफ, हजरत हाफज फैज सुल्तान, पीर नूर अहमद हाशमी, पीर गोहर शाह, पीर हथेवान, पीर आफ 18 हजारी, पीर आफ माहनी शरीफ और शेर झंग हक नवाज झंगवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी नाबगाए रोजगार शख्सियात शामिल हैं। इसके अलावा भी कई मशाहिर के दरबार यहीं आबाद हैं। हर साल हजारों लोग इन सूफिया इकराम के उर्स में शिरकत करने के लिए झंग का रुख करते हैं। औलिया इकराम के दरबार के बाद यहां सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जगह माई हीर का दरबार है, जो झंग शहर में वाके है। माई हीर, जो हीर रांझा की लाजवाल दास्तान का एक किरदार है, इस इलाके में मोहब्बत की निशानी है। इलाके के लोगों ने इस हकीकत के तहत यहां पर मौजूद स्टेडियम को भी माई हीर स्टेडियम का नाम दे रखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां के मशाहिर की, तो सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू, वजीर खान, सरदार जिनके नाम से मस्जिद वजीर खान मंसूब है, अलामा डॉक्टर ताहरुल कादरी, मजीद अमजद, अलीम डार, मोहतरमा आबदा हुसैन, डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबल इनाम याफ्ता सांसदान, और इसके अलावा नजीर नाजी जो कि मशहूर सहाफी और कालम निगार हैं, फैसल साले हयात, अल्लाह दी तालुने वाला महमूद शाम, सैयद जमीर जाफरी, शेख वकास अकरम, मंसूर मलंगी, गुलाम बीबी भरवाना, पीर हमीदुद्दीन सयालवी, गद्दी नशीन आफ दरबार सयाल शरीफ हैं। झंग की तहसीलों में तहसील झंग, शोरकोट, अहमदपुर सयाल और 18 हजारी के इलाके शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की इंफॉर्मेटिव काविश जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।